अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर एक मिनट, अरे ये क्या कर रहे हो आप? अब लग रही हो ना मेरी बेगम। और एक बात और, अगर जो आप कहीं जाएं तो ऐसा ही बन के जाएं। ऐसे बंद के? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा आपके चेहरे को कोई और देखे। अरे जावेद, लेकिन एक मिनट, अरे इसमें तो कितनी घबराहट सी होती है। आदत हो जाएगी जावेद, लेकिन ऐसा क्यों? ये हमारे घर के रीति रिवाज है, कोई भी लड़के ऐसे बाहर नहीं निकल सकते, उनको ये पहन के जाना होता है बाहर। देखो जावेद, ये बुरखा मुझसे नहीं बंधा जाएगा, क्योंकि मुझे घबराहट सी होती है इसमें। ट्राई तो करो, कुछ टाइम ट्राई करके देखो। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपको करना ही होगा। सॉरी जावेद, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी आप बांध लीजिए, आप यहाँ पे नमाज पढ़िए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ मस्जिद में। नमाज पढ़ लूँ? मैं कैसे नमाज पढ़ लूँ जावेद? मुझे थोड़ी ना नमाज पढ़ना आता है। और वैसे भी जब मैं स्तुति कर रही थी आपके घर में, तब आपकी भाभी जान ने तो मुझे मना कर दिया ना कि मैं इस घर में स्तुति नहीं कर सकती, हमारे भगवान का नाम नहीं ले सकती, और मुझे इस घर में रहना है तो नॉनवेज बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं कैसे नमाज पढ़ लूँ? कैसे नमाज पढ़ लूँ आप ही बताओ? और वैसे मुझे आता भी कहाँ है नमाज पढ़ना? पर आपको सीखना पड़ेगा ये सब चीजें। क्यों? आप हर चीज को ऐसे नहीं डाल सकती हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि आप मुस्लिम फैमिली में हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ एडजस्टमेंट हैं जो आपको करने पड़ेंगे। कुछ? इसको आप कुछ कहते हो? अच्छा जावेद, ये बताओ, अगर मैं आपको मेरे घर पे ले जाऊं और मैं आपको बोलूं कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बोलूं कि आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है, तो मैं आपको बोलूं कि आपको मेरे घर में मेरे पापा को अब्बा नहीं लेकिन पापा ही कह के बुलाना है, आप ये सब कर लोगे? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कर लूं? नहीं बांधना मुझे बुरखा, नहीं करना ये सब, नहीं होगा मुझसे जावेद। मैं नहीं छोड़ सकती मेरे धर्म को, मैं मेरी स्तुति किए बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं खा सकती नॉनवेज, नहीं होगा मुझसे। आपको अगर लगता है कि मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नर्स हो, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद मैं एडजस्ट कर लूंगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो। मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा, माफ कर दो मुझे, ये मेरे से कभी नहीं होगा। पर हम तो प्यार करते हैं ना यार, इतना सजेस्ट नहीं कर सकती आप? यही सोच के तो आई थी ना मैं कि प्यार करती हूँ आपसे तो मेरे से एग्जिस्ट हो जाएगा। मैंने सोचा था मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरे भाई नहीं मानेंगे, मेरी प्यार के खातिर वो सब मान गए, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, शायद यही दिखाने के लिए कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रही थी। शायद पापा ये समझाना चाह रहे थे कि उनकी बेटी कौन सी राह पे चलने लगी, यहाँ ये बात तक भूल गए कि हम हिंदू और आप मुस्लिम हैं। ये नाता कभी नहीं जुड़ सकता, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। तो तुम अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ दोगी? अजमा लिया ना हमने जावेद, आपने भी अजमा लिया, मैंने भी, हमारी फैमिली ने हमको एक मौका तो दिया, अगर यही काम हम शादी के बाद करते और फिर अलग होना पड़ता तो, इतनी बदनामी सहने के बाद अलग होने से तो अच्छा ही है कि हम अभी अलग हो जाए। हमसे नहीं होगा ये जावेद, ना तो आप अपने धर्म को छोड़ सकते हो, ना तो मैं मेरे धर्म को, ना आप अपनी फैमिली के तौर तरीके भूल सकते हो, ना मैं, इसलिए शायद शायद हमारा अलग हो जाना ही ठीक है। एक बार और सोच लो प्लीज। एक महीना सोच लिया, अब और कितना सोचो? देखो जावेद,
प्यार आपने ही किया था ऐसा तो नहीं है, मैंने भी तो किया था, लेकिन जो प्यार अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सके, एक हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं जी सके, वैसा प्यार किस काम का? एक दूसरे को पूरा जीवन दुखी करने से तो अच्छा ही है कि एक ही बार दुखी हो जाए और अलग हो जाए। आपको भी मेरे से अच्छी लड़की मिल जाएगी, और शायद आपसे अच्छा तो नहीं, लेकिन मुझे भी मेरे लायक कोई लड़का मिल जाएगा। अपनी लाइफ में मूव हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते जावेद, प्लीज प्लीज। और वैसे भी हम ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कर रहे, जावेद धर्म का भी तो इश्क जैसा है ना, फिर एक इश्क के लिए मैं मेरे दूसरे इश्क को कैसे छोड़ सकती? मेरी पहली मोहब्बत मेरा धर्म, दूसरी मोहब्बत मेरा परिवार, और तीसरी मोहब्बत तुम हो। तुम्हें छोड़ के अगर मुझे मेरे दो इश्क मिल रहे हैं, तो मुझे मेरे वो दो इश्क चाहिए। प्लीज तुम भी दुखी मत होना और अपनी लाइफ में मूव हो जाना। अपना ख्याल रखना। तुम भी। जय श्री कृष्ण। खुदा हाफिज़।